मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्व त्योहारों के अवसर पर पुलिस और प्रशासन को 24/7 अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिले विगत वर्षों में त्योहारों के समय प्रदेश की घटी हर छोटी बड़ी घटना का आकलन करें और ऐसी व्यवस्था बनाएं जो कि इस वर्ष शारदीय नवरात्रि से छठ पर्व तक पूरे त्योहारी माहौल में कहीं भी एक भी अप्रिय घटना ना घटे। उल्लास उमंग का यह समय शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में बीते, इसके लिए बीट सिपाही से लेकर चौकी, थाना, जिला, रेंज, जोन, मंडल और तैनात हर अधिकारी को प्रयास करना होगा। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला अधिकारी व पुलिस कप्तानों से संवाद करते हुए बेहतर कानून व्यवस्था के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले दो दिनों में सभी दुर्गा पूजा कमेटियों से थाना, सर्किल और जनपद स्तर पर संवाद कर लिया जाए। कहीं भी सड़क खोदकर पंडाल न बनाया जाए। पंडाल बनाते समय यातायात की सुगमता का पूरा ध्यान रखा जाए। प्रतिमा की ऊंचाई एक सीमा से अधिक ना हो। प्रतिमा विसर्जन का रूट पहले से स्पष्ट होना चाहिए। बीट सिपाही से लेकर हल्का इंचार्ज और पुलिस कप्तान सहित हर अधिकारी सड़क पर उतरे। दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से सभी लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर वितरित किया जाना है। इसके संबंध में समय से सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं।